बता दें कि हाइबिन 24 पर आपको तस्वीरें दिखा रहे बस स्टैंड के सामने से, और यहाँ पर ये कोई मारपीट का मामला सामने आया है। अभी मारपीट का मामला कोई अचानक से दिखा है, और ये देखिए यहाँ पर पूरा मामला जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है आपको बता दें कि ये एक व्यक्ति को पकड़ कर ले जाया जा रहा है। पूरे मामला जो है जानने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन और अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर एक और मामला भी देखने को मिला। और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति को जो है यहाँ पर लेके आया गया है, इसलिए तीन बार पकड़ा है और इसकी वीडियो पहले भी है, तीन बार ही छोड़ा, ये चोर है, चौथी बार फिर आया। हाँ, मेरी दुकान पे चोरी करके गया था थोड़े दिन पहले, इसकी मेरे पास वीडियो भी है, आज फिर ये चोरी करने के लिए आया तो मैंने पकड़ा, हमने इसको मारा भी, अब चौकी में लेके आए हैं। इनमें से मैं रहता है, इसको यही नहीं पता मैं क्या उठा रहा हूँ क्या नहीं उठा रहा। आपने इसको कैसे पकड़ा, यहाँ पर क्या कर रहा था? ये फोन बेचने आया था चोरी का, मतलब कि हाँ मतलब किसका चोरी का? इसके पास बिल नहीं होता, आईडी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता इसके पास। लास्ट दो बार भी इसके पास इसने ये काम किया है, बट इस बार हमने इसको पकड़ा है और पकड़ने के बाद ये हमारे साथ गाली गलौज करने लग गया है, तो अब हम इसको पकड़ के चौकी में देने के लिए लाए हैं। लास्ट टाइम जब पहले भी ऐसा, हाँ जी, लास्ट टाइम जब इसने किया था, इसका वीडियो फुटेज भी हमारे पास है, इसने ये कहा था फुटेज में कि मुझसे लास्ट टाइम गलती हुई है, मैं इसके बाद इस मार्केट में नहीं आऊंगा, बट आज फिर ये मार्केट में आया है और ये वही काम करने लगा था। जी सर, जी हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल सर, हमें नहीं सर इस बारे में हमारे को नहीं पता। दुकान से मोबाइल चोरी हुआ था, पहले भी मेरी दुकान से हुआ था, यही गुरु नानक कम्युनिकेशन बस स्टैंड के पास। अच्छा, बस स्टैंड के पास यहीं से चोरी भी करते हैं और बेचने भी यहीं आ जाते हैं, बेचने भी हैं, उसमें 10 गवाह भी हैं। जब ये कह रहा था कि मैं इस बार अगली बार ये काम नहीं करूंगा, अब लास्ट कितनी बार ऐसा मामला देखा गया पहले? इसको हमने 3 या 4 बार देख लिया हमने ये काम करते हुए, 3-4 बार। लास्ट टाइम के तो उसके वीडियो भी है हमारे पास, वीडियो भी हमारे पास। हाँ जी, क्या नाम है इसका? इसका नाम वगैरह इसने वीडियो में कुछ बता नहीं, कुछ नहीं बताता सर इस बारे में, कुछ नहीं पता है। तो पहले भी कंप्लेंट की कभी चौकी में? कंप्लेंट नहीं की थी, लास्ट टाइम ये बोला कि भाई मेरी सरदारी की शर्म करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर जोड़ता हूँ कि अगली बार मैं आपकी मार्केट में नहीं दिखूंगा। आज फिर ये वही काम कर रहे हैं, यहाँ पे आया दोबारा, नशा करता है, बिल्कुल नशे में, अभी नशे में, सुखे नशे में रहता है। मेरी दुकान पे आ गए चोरी करने, इसको यही नहीं पता मैं पहले मेरी दुकान पे भी आए, इसको ये तो मेरे को अननोन समझ रहा था, अननोन समझ के दोबारा आए, इसको पता ही नहीं, मैंने तो पहचान लिया इसको, नशा करता है इसलिए पता नहीं चला। 100% ये नशे में है, 100 की 200% इसका काम ही यही है, चोरी कर रहा। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले भी यहाँ पर किसी मामले में आए हुए थे और अचानक से ये मामला और देखने को मिला कि जो है चोर है व्यक्ति, और यहाँ पर चोरी का जो मोबाइल है उसी मार्केट में कई बार बेचने के लिए आ जाता है जहाँ से मोबाइल उठाता है, और यहाँ पर 3-4 बार देखा गया है, और आज लोगों ने उसको धरपकड़ की उसकी और फिर से उसको यहाँ लेकर आए हैं चौकी में। और यहाँ पर तो यहाँ पर आप ये देख लो ये जान से मार देगा, जान से मार देगा, आपने दूसरी बारी काम करा, पहले की वीडियो भी है तेरी, सर मैंने ही फैसला कराया था, हमने तब भी इसको छुड़वाया था, तब इन्होंने नशा कर रखा था, अब फिर ये नशा करा, ये नशा करके ही ये काम करते हैं, हम पहले भी इनको समझा चुके हैं और इसी मार्केट में छुड़वाया था, इन भाई साहब से रिक्वेस्ट भी की थी। क्या नाम है इसका? नाम नहीं हमें मालूम, ये गांव के हैं, मतलब सर हमें मालूम नहीं, इन्होंने पहले भी ऐसे ही काम किया था, हमने तब भी हाथ जोड़ के छुड़वाया था, रिक्वेस्ट की थी दुकान से, अब फिर ये वही काम पे कर, मतलब आप कहीं ना कहीं इसलिए कंप्रोमाइज किया कि जो है आप ही की यानी कि सरदार है, तो है। मगर अगला गलत करेगा तो कब तक दुकानदार सहेगा? फिर ये वही काम, दुकान भी यहीं पे ही है? हाँ जी सर, हाँ जी, हम सारे दुकानदार ही हैं, सभी दुकानदार ही हैं। यस सर, कई केस चल रहे हैं जी इस पे, तो अभी भी कह रहा है अभी, हाँ गाली गलौज, अभी इसका कहना ये है पुलिस वालों के सामने कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, अभी ये शब्द बोल रहा है ये। जी 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 जी, तो अब लाए हैं, अब देखते हैं क्या होता है, क्या कार्रवाई करते हैं आगे, इसको ये पता है नशे में है, कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे। जी सर बिल्कुल बिल्कुल, इस बार नहीं छोड़ेंगे इसको। हाँ जी हाँ जी, लास्ट टाइम बख्श दिया था, बस इस बार नहीं बख्शेंगे सर, इस बार कंप्लेंट देंगे देंगे। जी सर, यहाँ पर आपने देख सकते हैं कि जान से मारने की धमकी जो है ऑन द कैमरा यहाँ पर दी है, व्यक्ति जो है चोरी करता है मोबाइल या जो कुछ भी करता है, फिलहाल मोबाइल चोरी के उसमें आया और 3 से 4 बार पहले भी पकड़ा जा चुका है, और यहाँ पर आपको बता दें उसको पकड़ रखा है और ऐसे में नशा यहाँ पर कर रखा है, और व्यक्ति को फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो व्यक्ति है वो यहाँ पर आपको देख सकते हैं। क्या कह रहा हूँ,
मैडम को बता दें कि व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है, पहले कहां कहां पर जो है ये व्यक्ति चोरी कर चुका है। फिलहाल आपको बता दें कि इस समय अंदर है, धमकी ऑन दी कैमरा जान से मारने की दी व्यक्ति ने, बताया भी, ये भी कहा उस व्यक्ति ने कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, यहां तक कि हमारे कैमरामैन के ऊपर भी जो है, यानी हमारे ऊपर भी जो है, यहाँ पर जो है आपस में बातचीत चल रही है कि समझौता ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है फिलहाल वो व्यक्ति अंदर है और फिलहाल जो है व्यक्ति जो है आपको बता दें सिख व्यक्ति है, और वहाँ पर पहले सिर्फ इसी बात को लेकर जो है सिर्फ समझौता कर लिया गया कि कहीं ना कहीं व्यक्ति दोबारा ऐसा नहीं करेगा और कुछ आपस में सुलह करके, लेकिन फिर से आज चोरी जो है यहाँ पर करते हुए जो व्यक्ति है यहाँ पर पकड़ा, और यानी कि वो मोबाइल बेचने के लिए आया हुआ था, और अब जो है यहाँ पर जो है सभी दुकानदार मिले हैं और उनका क्या कहना, उनसे पूरी बात करते हैं। इनके साथ भी जी हाँ, मेरी दुकान से उठा के एक बार लेके गया फोन और इसको दोबारा मेरी थोड़ा सा अस्थिर मिठाई वाले के पास उसके अपोजिट है, तो उस टाइम कहने लगा कि भी अब मैं आपको इस लाइव में क्या कहूँ, कोई बात नहीं कि गलत बोल के भी, कि जो आपसे मेरा बनता है तो बना के देख लेना। एक दिन दोबारा रिपीट में आया ना, मैंने इसको कहा कि भी आप मेरा उस दिन फ़ोन उठा के लेके भाई आगे से मेरी दुकान पे मत आना, मैंने इसको हाथ जोड़ दिए थे, इनने कहा हाँ मिल लेगा तुम्हारे से जो बनता कर लेना, ऐसे बोला। हाँ हाँ ऐसे रिपीट में ऐसे बोला, लेकिन फिर अब आदमी दुकानदार आदमी की सोचता है क्या किसी से झगड़ा किया जाए, कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति में डर नहीं है और आगे भी जो है ये ऐसा करता ही रहेगा, और सामने ऑन द कैमरा भी इसने धमकी दी है। क्या चाहेंगे, कार्रवाई क्या चाहते हैं इस समय सभी दुकानदार हैं? कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई हुई तभी आगे से किसी की दुकान पे नहीं करेगा। कई बार जैसे इस तरह दुकानदार के बोलने लग रहे हमारे पास से ऐसा करके गया है या किसी और के पास से करके गया है। यहाँ पर फिलहाल सभी दुकानदार जो है खड़े हैं, व्यक्ति जो है इस वक्त अंदर है, पुलिस प्रशासन जो है उसके सामने व्यक्ति जो है धमकी दे रहा था, और ये सबसे बड़ी बात है कि गुंडागर्दी इतनी ज़्यादा है, व्यक्ति में को किसी चीज़ का डर नहीं था, नशा व्यक्ति ने अभी भी कर रखा है और नशे के लिए ही वो चोरी करता है। तो यहाँ पर जो है आपको बता दें कि बस स्टैंड से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल के, जहाँ पर जो एक व्यक्ति जो है वो उसे धर दबोचा लोगों ने जब वो मोबाइल बेचने के लिए चोरी का पहुँचा। उससे पहले भी कई बार जो है मोबाइल जो है चोरी करके वो यहीं पर बेचने के लिए आता है या और भी जगहों पर जाता है, और लगभग यहाँ पर 5-6 दुकानदार जो थे वो लगातार यहाँ पर कह रहे थे कि हमारी दुकान से जो है मोबाइल ये कई बार चोरी करके जा चुका है, और कई बार नशे के कारण उसे पता नहीं चला, वापस उसी मार्केट में आकर जो है मोबाइल बेचने के लिए आया हुआ था। तो लोगों ने इसे पकड़ कर जो है फिर यहाँ पर थाने में चौकी में लेकर आए हैं, और अब जो है आगे फिलहाल जो है यहाँ पर लोगों से बात हुई और उनका ये कहना है कि जो कंप्लेंट है वो हम दर्ज करवाएंगे, और यहाँ पर जब व्यक्ति से कुछ पूछताछ करने लगे तो उस व्यक्ति ने धमकी भी ऑन द कैमरा दे दी। और ये सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के जो मामले हैं वो कम से कम बहुत हैरानी वाले मामले हैं कि किस तरीके से जो है बेखौफ होकर लोग इस तरह की वारदात करते हैं और फिर धमकी भी जो है पुलिस प्रशासन के सामने दे देते हैं। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगे की कार्रवाई उस व्यक्ति के ऊपर क्या होती है। हमारे साथ व्यक्ति, उनसे बात करते हैं। सर बताइए क्या कहना चाहेंगे। अभी आधा घंटा पहले एक आदमी आया था, वो कह रहा था कि कुछ झल्ला सा सरदार है, वो हमारी मेरा फ़ोन खोज के ले गया कि आसपास कहीं नज़र आए या आपको बेचने आया हो तो फोन बताओ। ठीक है, मैं कभी हमारे पास अभी तो आया नहीं, फिर थोड़ी देर बाद इन भाई साहब की दुकान पर आ गया बेचने के लिए फ़ोन। पहले चोरी भी कर रखी है, पहले भी चोरी कर रखी है 2-3 महीने। मेरी दुकान पे गई थी, मेरी दुकान पे फ़ोन ले बोला सेकंड हैंड फ़ोन मिलेंगे, मैंने दिखाए, धीरे धीरे इन्हें अपना एक फ़ोन निकाल के एक जेब में डाल लिया, मैंने इसको देख लिया, मैंने किसी को नहीं बोला, मैंने उसी टाइम मेरे साइड वाले भाई का फ़ोन मिला, एक वहाँ से एक इसको जाने दिया, इसको थोड़ी सी आगे पकड़ा हमने तो इसको दिखा के हमने इसको धमकाया, तो सारे इकट्ठे हो गए, एक दो सरदार थे, इसको तरस खा के इसको माफ़ी मांगने लग गया तो हमने छोड़ दिया। बकायदा हमारे पास आज तक वीडियो भी पड़ी है इनकी, फ़ोन में सेव भी है, पड़ी भी, हम दिखा भी सकते हैं। तो फिर आज ये आया तो हमने इसको छोड़ा नहीं, आज इतना दर अब भी करेगा तो आगे भी करेगा ये, तो हम अब इसके FIR करेंगे। मार्केट में जी 6-7 दुकानों पर चोरी कर चुका सब पे पहले, एक एक करके 6-7 दुकानों पर चोरी। हाँ कर चुका, आई बार छोड़ दिया इसको, ऐसे और भी की होगी कहीं ना कहीं। हाँ करता ही होगा जी, जब ये फ़ोन किसी के खोस लेता है ये नशे में रहता है जी 24 घंटे। बिल्कुल मार दूंगा काट दूंगा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, आगे पीछे नहीं, अपनी हम कार्रवाई करेंगे जी इसकी, दुकानदारों की सेफ्टी इसी में जिसकी कंप्लेंट दे रहे हैं। हाँ जी रिटर्न में कंप्लेंट। हाँ बिल्कुल रिटर्न में कंप्लेंट दे रहे हैं जी इसकी।
सर कार्रवाई चाहते हैं कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति जो है चोरी कई बार करके जा चुका है, धमकी भी देके जा चुका है। हाँ अभी कह रहा था मेरा ये कर लो वो कर लो, मैं क्या कर लोगे तुम मेरा, मैं भी सरदार इकट्ठे कर लूँगा, डेरे से बंदे बुला लूँगा। अरे हम भी सरदार ही हैं, पंजाबी लोग हैं, ये थोड़ी है कि भी तू गलत काम करेगा और तेरा साथ देंगे सारे। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि कैसे जो है सभी दुकानदार जो है रोष है उनमें इसी बात का कि जो व्यक्ति है उसके ऊपर जो है पहले जो कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर किसी कौम से है तो क्यों इसके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई करवानी, और उसके अंदर जो है उसके परिवार के भी जो है कभी कोई व्यक्ति बीच में आकर उसने सुलह कर ली, लेकिन अब जो है फिर से वो व्यक्ति जो है यानी चौथी पांचवीं बार जो है व्यक्ति पकड़ा गया, तो अब जो है यहाँ पर जो सभी दुकानदार चाहते हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उसको जो है उसके ऊपर जो चूँकि चोरी करता है और नशा करता है अपने नशे के लिए जो है चोरियों को जो है अंजाम देता है और मोबाइल फ़ोन जैसी महंगी चीज़ों को चोरी करता है, तो ऐसे में जो है अब उस पर कार्रवाई तो ज़रूर बनती है और इसके लिए जो यहाँ के थाना प्रभारी उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। चोरी के मुकाबले में पहले भी एक दो बार हमारे साथ ASI जो है हमारे साथ थाने के हैं, सर क्या कहना चाहेंगे व्यक्ति के ऊपर क्या कार्रवाई होगी जिसने चोरी करी और उसके बाद धमकी भी जो है आपने देखा कि सामने दी गई है कैमरे के ऊपर, वो मेरे को रिटर्न में आ जाएगा, मुकदमा दर्ज करते हैं इसके खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज। हाँ जी बिल्कुल, पहले भी दो तीन बार ऐसा इशू बनाया है तो अभी ये गाड़ी ग्लोज भी कर रहा था दुकानदार के, तो फिर काफ़ी काफ़ी बहुत ज़्यादा नशा कर रहा है, बेसुध है, उसको ये नहीं पता क्या कर रहे हैं हमें क्या कर रहे हैं। आपके सामने ऑन द कैमरा जो है उसने धमकी दी जान से मारने, वो गाड़ी क्लोज कर रहा था, गाड़ी क्लोज भी की है, धमकी भी दी जान से मारने की, बिल्कुल। तो कार्रवाई उसके ऊपर जो है कार्रवाई करेंगे, हाँ बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई होगी जी। तो यहाँ पर जो है आपने देख लिया कि यहाँ पर इस समय हम बस स्टैंड के जो है चौकी में खड़े हैं और हमारे साथ जो है पुलिस जो है प्रशासन से हमने जैसे जो उनसे बात की है ASI साहब से, तो उन्होंने ये कहा है जो कार्रवाई उसके ऊपर बनती है जो लोग कंप्लेंट अपनी दे देंगे उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और कहीं ना कहीं नशे के लिए जो है व्यक्ति अपनी जो है यहाँ पर ये ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नशे की जो है इस तरह की चोरियों को अंजाम देता है, और धमकियाँ भी जो है कई दुकानदारों को दे गया कि आपको जो भी करना है आप कर सकते हो मेरा, और ऐसे में जो है यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन के बिल्कुल सामने जो है जो व्यक्ति है वो हमला करने के लिए भी जो है सामने की तरफ आ रहा था, जैसे कि आपने कैमरे में देखा कि ऑन द कैमरा हमें भी जो है किस तरीके से हमारे ऊपर भी हमला करने की कोशिश कर रहा था। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं अपने आप में शर्मसार हैं, और कार्रवाई ऐसे लोगों पर बनती है ताकि ये लोग जो नशे के लिए इस तरह के लोगों का नुकसान करते हैं हज़ारों लाखों रुपये का वो ना हो। तो फिलहाल आपको बता दें कि बस स्टैंड से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।